शिक्षण निकेतन की छात्रा आप सभी के समक्ष एकता में बल है पर कुछ शब्द कहने यहाँ उपस्थित हुई हूँ। हम सब जानते हैं कि एकता में बल है और एकता के बिना मानव सभ्यता विकसित नहीं कर सकती। अगर हम एक राष्ट्र के रूप में विकसित करना और प्रगति करना चाहते हैं तो एकता के साथ रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिंसा, हत्या, सड़क पर लड़ाई झगड़े आदि की बढ़ती घटनाओं को देखने के बाद मेरी अंतर आत्मा हिल गई है। इन भयावह घटनाओं के अलावा दिन ब दिन लोग मुझे दबदबा रहने वाले, लड़ाई झगड़े वाले लगते हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एकता का सिद्धांत राष्ट्र और समाज दोनों में खुशी और शांति फैलाने है, साथ ही साथ दया की सीख भी देना है। जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता कहते हैं तो मन में एक घमंड आ जाता है। इस तिरंगे के नीचे हम सब विविधताओं को छोड़कर बस एक हो जाते हैं। मेरे अनुभव से यदि हम बचपन से बच्चों को यह सीख दें, चार दम विभिन्न बोलियां, अनेक जनजातियां, भले ही 29 राज्य एवं 7 केंद्र शासित राज्यों में बांट देती है, मगर मिलती एक मात्र विशालकाय समुद्र में है जिसे हम भारत कहते हैं, उसे जिस पर हम गर्व करते हैं, तो एकता के अनुकरण की गहरी नींव खोल सकते हैं। खैर, ये तो एक अच्छी मिट्टी की बात, अब बड़ों को कैसे समझाया जाए। खैर, आप और मैं इस तथ्य को सम्मानित जनों को यह तथ्य नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि कुल्हाड़ी जितनी विधार क्यों ना हो, हर चट्टान नहीं काट सकती, पर हाँ, थोड़े बहुत पत्थरों के टुकड़े जरूर किए जा सकते हैं, आगे का रास्ता बनाते हैं तो और आने वाले भविष्य के सुगम बनाते हैं। जितनी एकता विविधताओं में ढूंढ कर अच्छे से सीख सकते हैं, कोशिश करते रहे, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदू अहम वतन है हिंदुस्तान हमारा। माना कि हम में अनेक धर्म, बोली, रीति रिवाज, पहनावे, व्यवसाय में अनेक विविधता है, पर इसमें भी हम एकता का पालन कर सकते हैं और इसके लिए सबसे जरूरी है हम अपनी मूल प्रकृति को बनाए रखते हुए सबसे पहले स्वयं को भारतीय माने तो किसी भी प्रकार में दूसरे की आड़ नहीं आएंगे। एक छोटी सी उदाहरण से आप समझ सकते हैं। माना कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत किसी विदेश में मिलते हैं तो अनेक विविधताओं के बावजूद उनमें आत्मीयता और एकता दिखाई देती है, क्योंकि सबसे पहले वे स्वयं को भारतवासी मानते हैं। और एकता में इतना बल है कि अगर इतिहास में आजादी के समय हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने आपसी धर्म जाति को लेकर भेदभाव किया होता, या फिर महात्मा गांधी को लेकर महात्मा गांधी के साथ अनेक लोग उनका साथ ना दिए होते, तो आज हम अंग्रेजों की गुलामी कर रहे होते। और आप सब जानते हैं मुट्ठी में जो ताकत है वह उंगलियों में नहीं, और रस्सी में जो ताकत है वह धागे में नहीं। कुछ इसी प्रकार का व्यवहार यदि हम अपने देश में रहते हुए भी करें तो विविधता में एकता का पालन आसानी से कर सकते हैं। इसका उदाहरण मैं एक छोटी सी कविता से देना चाहूंगी, ध्यान सुनिएगा। खीर सेवैया लंगर है, ये सब बनते हैं अपने देश में, बनने का तरीका भी अलग और बनने के अवसर ये दिखने